धनतेरस का जो मार्केट लगा हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पूजा की सामग्री मिल रही है, ये जो तांबा और पीतल के जो बर्तन है जो पूजा में विशेषकर इस्तेमाल में आते हैं वो मिल रहे हैं। तो कहाँ से हैं मैम आप? हम रामकृष्णा नगर से। रामकृष्णा नगर से। ये सब क्या है, थोड़ा प्राइस बताइए किस तरीके से, और मार्केट कैसा है इस बार? मार्केट तो अभी कोई खास नहीं है। खास नहीं है, अभी थोड़ा समय है, कल धनतेरस है। ये क्या दिया है? ये दिया है। किस चीज का दिया है? चीनी मिट्टी का दिया है। चीनी मिट्टी का ये दिया है। इसकी क्या प्राइस रेंज है? 20 रुपया। तो देखिए कितना सुंदर और आकर्षक ढंग का जो दिया है, जो चीनी मिट्टी का दिया है, और केवल इसकी जो प्राइस रेंज है वो 20 रुपये बता रही है। तो ये सब आप पटना वुमेन्स के पास आ जाएंगे तो आपको ये सब उपलब्ध हो पाएंगे। आप थोड़ा और बताएंगे सब बर्तन की क्या रेंज है, क्या प्राइस है? मैम अलग अलग रेंज सबका 360 है। ये 307 के करीब में दिए आपको मिल जाएंगे। ये किस चीज के? ये तांबे के हैं? नहीं, पीतल का। पीतल प्योर पीतल है। पीतल के ये धूपदानी है, ये भी पीतल के दिए आपको मिल जाएंगे। रेट इसमें लिखा हुआ है जी। तो देखिए यहाँ पर पीतल की जो पूजा की सामग्री है वो मिल रही है, चाहे आप थाली की बात कर ले जो पूजा में इस्तेमाल में की जाती है, या फिर दिए की बात कर ले। तो शुभ माना जाता है धनतेरस में पीतल की खरीदारी करना, उसके मद्देनज़र ये स्टॉल आपको पटना वुमेन्स के पास धनतेरस बाज़ार में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धनतेरस में लोग अपने घरों को सजाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग तरीके की कारपेट देखने को मिल रही है। तो आपको कारपेट खरीदना हो या फिर डोरमैट खरीदना हो तो यहाँ पर भी विकल्प आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो घर के डेकोर आइटम है वो यहाँ पर उपलब्ध है, जो आप अपने घरों और दरवाजों के ऊपर टांग कर उसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए जो रंगोली होती है वो दीपावली में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, और घरों के जो आगे है वो रंगोली बनाई जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी रंगोली को देख करके उस घर में प्रवेश करती है, और जिनके घर की रंगोली जितनी सुंदर रहती है उनमें लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। तो यहाँ पर देखिए घरों को डेकोरेट करने के लिए, अपने दरवाजों को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपको डेकोरेटिव आइटम मिल रहे हैं। होम डेकोर के जो आइटम है, देखिए बात कर ले इनकी, तो ये देखिए जो बेल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और साथ ही ये दरवाजे पर टांगने के लिए खूबसूरत और बहुत ही अनोखे तरीके की जो सामग्री है, डेकोर आइटम है, वो हमें मिल रही है। तो क्या नाम है सर आप? विनोद कुमार मिश्रा। कहाँ से आप? आरा से। शॉपिंग करने आए हैं या फिर सामान? नहीं, हम तो शॉपिंग कराने आए हैं। तो बजट इस बार दीपावली में तो काफी ज्यादा गड़बड़ा जाता होगा, घर का महिलाएं खूब जम के शॉपिंग करती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे दीपावली पे? दीपावली में क्या कहेंगे, जो हो रहा है उत्साह है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर लोग लगातार शॉपिंग करने पहुँच रहे हैं। तो देखिए लगातार आपको धनतेरस का मार्केट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं यहाँ पर इस मार्केट में क्या कुछ खास मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मोमबत्ती और दिए भी दिख रहे हैं, जो कि दीपावली का मेन आकर्षण का केंद्र होते हैं। साथ में यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स भी मिल रहे हैं, साथ में महिलाओं के लिए ज्वेलरी आइटम भी मिल रहे हैं, क्योंकि दीपावली और त्योहारों के मद्देनज़र रखते हुए महिलाएँ जो है वो खास तौर पर अपने आप को सजने संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। तो ये सभी आइटम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। दीपावली की शॉपिंग चल रही है? जी, दीपावली की शॉपिंग चल रही है। क्या कुछ खास आपने खरीदा? हाँ, पूजा का सामान, कपड़ा वगैरह, माला वगैरह, ये सब रुई जो दीपावली में काम आता है वो सब हम लिए हैं। कहते हैं कि धनतेरस में काफी लोग खरीदारी करे, तो इस बार धनतेरस में आप क्या खरीद रहे हैं? देखिए धनतेरस में अब वो तो मार्केट जाएंगे फिर सोचेंगे कि क्या लेना है, तो अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं कि कल हमको क्या लेना है। फिलहाल अभी पूजा ही का भी सामान यहाँ ले रहे हैं, वैसे अभी पीतल का भी कुछ सामान लिए हैं, आइए तो यही सब भी देख रहे हैं। जी धन्यवाद। तो देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं शॉपिंग कर रही हैं दीपावली को लेकर के। मैम क्या नाम हुआ आपका? रेखा कुमारी। तो यहाँ पर कैसा मार्केट लग रहा है, आप क्या कुछ खास आपको देखने को मिल रहा है? दिवाली का शॉपिंग का सारा सामान यहाँ पर है, एक जगह ही सब सामान मिल जाते हैं यहाँ पर, तो वही आए हैं खरीदने के लिए, कपड़ा, माला, दिया, ये सब। तो यहाँ पर मैम भी दिखा रही है, ये जो कमल का फूल जो है ये देखिए कितना सुंदर और कितना आकर्षक लग रहा है। जो कमल का फूल होता है वो दीपावली में खासकर लक्ष्मी माता के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये डेकोर आइटम आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर देखिए मोतियों की जो झालर है वो दिखाई दे रही है, जो अपने आप में काफ़ी रौनक से भरा है, आकर्षक है और बेहद ही खूबसूरत है।